Hi guys, welcome to a study India Adda. I am Rajni. Good evening बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया है. पैरामेडिकल का जो बायोलॉजी का क्लास चलता है वो क्लास स्टार्ट हो गया है. आज सेट नंबर 6 है, ठीक है. प्रैक्टिस सेट जो है वो 6 है और आज मेरा छठा क्लास भी है. मैं 30 प्रश्न लेकर आई हूँ बच्चों, जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आप लोग को प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं डेली. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ बच्चों. तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और जो राइट आंसर होगा उसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा और लास्ट में आप लोग का 30 में कितना सही हुआ ये आप लोग बताइएगा. किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेहिजक पूछिएगा. तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि झींगा जो है खाली स्थान है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. प्रमुख जीव है, जो टॉपिक है वो प्रमुख जीव से क्वेश्चन मैं उठाई हूँ, ठीक है ना. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. ओके, तो खाली स्थान में क्या भराएगा बच्चों ये बताना है. तो झींगा जो है बच्चों वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है. झींगा जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा बच्चों. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे खाली स्थान भी कहते हैं. क्वेश्चन है डॉल्फिन की, ठीक है, क्वेश्चन है डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे खाली स्थान भी कहते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इसको किलर व्हेल भी कहते हैं. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे किलर व्हेल भी कहते हैं. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. नेक्स्ट है ऑयस्टर, खाली स्थान है प्रजाति के अंतर्गत आता है. ऑयस्टर जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है बच्चों. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलास्का. ऑयस्टर जो है वो मोलास्का के अंतर्गत आता है. ऑयस्टर जो है बच्चों वो मोलास्का के अंतर्गत आता है. डी जो है यहाँ पे ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 169 जो है, सी एनिमेंस खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है. ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. सी एनिमेंस बिलोंग्स टू द फाइलम. तो सी एनिमेंस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है ये बताना है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निडेरिया. सी एनिमेंस जो है वो निडेरिया के अंतर्गत आता है. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, केचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केचुए जो है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है ना. तो केचुआ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा केचुआ एनीलिडा के अंतर्गत आता है. ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. ऑक्टोपस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलस्का. मोलस्का के अंतर्गत आता है. ऑप्शन बी जो होगा बच्चों, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा. मोलस्का के अंतर्गत आता है. ऑप्शन ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, मोलस्का के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पाइडर्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेक्निड्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, एरेक्निड्स के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कैनिस, कैनिस बल्पिस का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, कैनिस बल्पिस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कैनिस बल्पिस का खाली स्थान किसका वैज्ञानिक नाम है ये पूछ रहा है, कैनिस बल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉक्स का वैज्ञानिक नाम है, मतलब लोमड़ी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैनिस फैमिलियरेस खाली स्थान है का वैज्ञानिक नाम है, कैनिस फैमिलियरेस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये डॉग कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है पेंथ्रा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है, पेंथ्रा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा, पेंथ्रा टिग्रिस ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, टाइगर का वैज्ञानिक नाम है, पेंथ्रा टिग्रिस जो है वो टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वीं से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे खाली स्थान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये बताना है, तो उसे परियानिक कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, उसे परियानिक कहते हैं। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिर गोलाकार पट्टी जो है वो 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे परियानिक कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है केचुए के अग्रभाग पर मुख्य एवं खाली स्थान क्या होते हैं, केचुए के अग्रभाग पर, केचुए का अग्र मतलब हो गया आगे का भाग, ठीक है बच्चों, अग्र मतलब हो गया आगे का भाग, तो केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं और क्या होते हैं ये बताना है। तो केचुए के अग्रभाग पर मुख होते हैं और पुरोमुख होते हैं, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस जो है वो किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलस्का, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, नेक्स्ट है टीनिया जिसको फीता क्रीमी बोलते हैं, फेसियोला जिसको पर्ण क्रीमी, ठीक है, किस संघ के उदाहरण है, ठीक है, पूछ रहा है कि किस संघ के उदाहरण है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किस संघ के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथीज, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कौन है जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑर्थोपोडा होगा, ऑर्थोपोडा जो है बच्चों प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है छिपकली तथा मगरमच्छ, ठीक है, सांप कछुआ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरीसृप, ये सब सरीसृप में आते हैं जो जमीन पर चलते हैं बच्चों, रेंग के चलते हैं, ठीक है, तो ये सब सरीसृप में आ गए, रिप्टिलियन में आते हैं, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सब सरीसृप में आते हैं, सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आलू टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग है, ठीक है, स्पीशीज हैं, परंतु वे किस वंश यानी जींस
जींस जिसको बोलते हैं के अंतर्गत आते हैं। तो किस वंश के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो ये सोलेनम के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत सोलेनम, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरिस फेरेटिमा केचुआ जो है तथा हीरुडेनेरिया जिसको रक्त चूसक जोक बोलते हैं किस संघ के उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनिलिडा, ये एनिलिडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पूछ रहा है खाली स्थान है क्लोरोफिल युक्त है, ठीक है खाली स्थान है, उसके बाद क्या है क्लोरोफिल युक्त है, सरल थेलाइड श्वपोषी तथा मुख्य जलीय अलवनीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है, ठीक है दोनों का जीव है, तो कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शैवाल, यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा शैवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई विशालतम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भेल, भेल जो है बच्चों वो विशालतम है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट कौन सा आंसर सही होगा। मानव का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम है बच्चों होमो सेपियंस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है प्राइमेटागन जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिबोन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निबोरा गन के साथ रखा गया है जिसमें क्या शामिल है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या शामिल है ये पूछ रहा है प्राइमेटागन जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिबोन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निबोरा गन के साथ रखा गया है तो इसमें क्या शामिल है ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्राइमेटागन जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिबोन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निबोरा गन के साथ रखा गया है जिसमें क्या शामिल है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को कल देखूंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है, ठीक है इनमें कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्टोपस जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पित्त जो है बच्चों वो पित्ताशय में ही तो संग्रहित होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है मानव शरीर से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है मानव शरीर से है। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में कितने स्रव दंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक वयस्क मनुष्य में कितने स्रव दंत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वयस्क मनुष्य जो बूढ़ा होता है बच्चों उसमें चार, ऑप्शन डी जो होगा चार जो होते हैं वो स्रव दंत होते हैं। नेक्स्ट है मुख गुहिका किस अंग तंत्र का एक घटक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा पाचन तंत्र, मुख गुहिका जो है वो पाचन तंत्र का एक घटक होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है,
ठीक है। मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु कौन सा है ये पूछ रहा है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है बच्चों दंत इनेमल। ऑप्शन डी जो होगा बच्चों, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का जो रंग होता है बच्चों वो पीला होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा यूरोबिलिन। यूरोबिलिन की उपस्थिति के कारण बच्चों मानव के मल का जो रंग होता है बच्चों वो पीला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है। तो पीत का स्राव बच्चों जिगर से होता है। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। पीत का जो स्राव होता है बच्चों वो जिगर से होता है। नेक्स्ट है, पीत का जो स्राव होता है बच्चों वो जिगर से होता है। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। आप लोग के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं बच्चों। आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप लोग का 30 में कितना सही हुआ बच्चों ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, गुड नाइट।